गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन चिल्ड्रन ओपन यूर इंग्लिश नोटबुक, बेटा सब इंग्लिश की नोटबुक ओपन कीजिए यस गुड ना लुक हियर, चिल्ड्रन इन प्रीवियस वर्क आई हैव टॉर यू दिस दैट दिस ओके, मैम ने आपको दिस एंड दैट का यूज़ बताया था ओके एंड दिस और दोस्त का ओके सो लेट्स स्टार्ट अ रिविज़न ऑफ दिस दैट एंड दिस दोस्त आज हम क्या करेंगे एक रिविज़न करेंगे ठीक है रिविजन किसका रिविज़न होगा दिस दैट का और दिस दोस्त का ओके न फर्स्ट विस इज टूडे येस वेडनसडे ओके स्पेलिंग ऑफ वेडनसडे

एन यू ए आर वाई जनवरी ओके एंड विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर पहला महीना साल का यस गुड जनवरी और जनवरी स्टार्ट हो गया ना यस yes. तो आप सबने मैम को विश किया था मैम हैप्पी न्यू ईयर यस yes. और फिर देखिए यहाँ पर हम पहले क्या लिखते थे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ओके एन्यू ईयर स्टार्ट हो गया है जनवरी स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे ईयर भी चेंज हो जाएगा ओके okay? तो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ओके आज मैम एक बार आपको फिर बता रहे हैं कि हम दिस दैट और दिस और दो, दोस का यूज एक साथ करेंगे ओके नाउ लुक एट द पिक्चर आई हैव ड्रॉन सम पिक्चर्स हियर मैम ने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स यहाँ पे बनाई हैं ओके यस गुड ना फर्स्ट क्वेश्चन मैम आपसे ही क्वेश्चन करेंगे वन बाई वन करके और आप मैम को आंसर देंगे ओके यस ना फर्स्ट अनन्या जोशी कैन यू टेल मी विच पिक्चर इज दिस किसकी पिक्चर्स बनाई है मैम ने यस गुड बैट की बनाई है ओके ना लुक हियर मैम ने दिया है डैश आई एस इज अटी बैट ओके गुड बेटा बैट लेकिन बेटा हम इसमें क्या यूज करेंगे दिस या दैट या दीज दोज हम यहां पे क्या लिखेंगे बेटा क्या यूज करेंगे ओके गुड दिस यस ना स्पेलिंग ऑफ दिस टी एच आई एस ओके बट आपने मैम को बताया नहीं कि हमने यहां पे दिस क्यों यूज किया है हम यहाँ पे दैट भी यूज कर सकते थे दिज भी यूज कर सकते थे दोज भी हाँ यस यस ओके यस गुड आपने कहा है कि ये ये जो पिक्चर्स है ये नियर मतलब पास में बनी है ठीक है और हमेशा मैम ने आपको बताया ना सिंगल थिंग्स के लिए क्या यूज होता है वी यूज यस 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 गुड दिस दिस यूज होता है ओके okay, नाउ यस yes, बेटा वी यूज दिस टू इंडिकेट थिंग्स दैट आर नियर एंड सिंगल थिंग्स ओके जब भी कोई सिंगल थिंग्स होती है या जो हमारे पास में होती है उन्हें उन पे क्या यूज़ होता है दिस गुड ये मैम ने आपको बताया था यस, राइट नेक्स्ट है गुड बेटा नेक्स्ट uh, मैम के साथ रीड कीजिए सेंटेंस टी एच आई एस दिस आई एस इज अटी बैट दिस के साथ क्या यूज होता है इज और एके माई क्वेश्चन इज नेक्स्ट ये अवनीश यस गुड अवनीश कैन यू टेल मी बेटा विच पिक्चर्स आर दीज ओके बैट लेकिन बेटा मैम ने क्या कहा है सिंगल थिंग्स के लिए बोलते हैं ना यस बैट आप क्या बोलेंगे आपको मैम ने वन और मैनी रीड करवाया है न पढ़ाया है ना पहले तो यहाँ पे एक बहुत सारे बैट्स हैं ना तो हम जहाँ पे एक से ज़्यादा थिंग्स होती है ओके okay, तो हम क्या बोलते हैं एस यूज हो जाता है उसमें ओके okay? उसमें क्या है मैनी में आ जाता है ना तो हम क्या बोलेंगे बैट्स ओके यस बैट्स सो डैश ए आर ई आर बी ए टी एस बैट्स हाउ मेनी बैट्स आर दियर हाउ मेनी बैट्स आर हियर यस थ्री है ना तो मैं, कैन यू टेल मी तो हम क्या यूज करेंगे दैट यूज होगा दीज या यस यस yes, अवनीश गुड yes, दिस हम क्या यूज करेंगे बेटा दिस और दिस हम किस लिए यूज करेंगे क्योंकि ये वन से ज्यादा थिंग्स हैं एंड नियर में है ये भी क्या है पास में बनाई है ना मैम ने पिक्चर्स यस yes. तो वी यूज वी यूज दीज टू इंडिकेट थिंग्स दैट आर नियर ओके हम क्या करते हैं दीज तब यूज करते हैं जब जो हमारे पास में है ओके येस नेक्स्ट गुड अवनीश नेक्स्ट येस आरव आरव नाउ लुक एट द पिक्चर arab can you tell me which picture is this yes jug okay yes now dash i s is a j u g jug okay yes can you tell me तो आप मुझे बताइए बेटा इसमें क्या यूज होगा दिस दैट या दोस। क्या यूज करेंगे हम क्या लिखेंगे यहां ओके yes, okay. तो दैट क्यों लिखेंगे ये भी बताना पड़ेगा आपको मैम को यस yes, गुड क्योंकि मैम ने ये पिक्चर्स दूर बनाई है ओके और मैम यहां से बता रहे देखो मैम बता रहे हैं दैट इज अ जग अगर मैम इसको टच कर रहे हैं तो ये यहां हाँ पर मैम दिस क्या होगा दिस लेकिन ये पिक्चर्स क्या है दूर बनाई है मैम ने और मैम क्या है फिंगर से शो करेंगे या पेंसिल से शो कर रहे हैं ठीक है तो दैट ठीक है दैट इज अग गुड नेक्स्ट यश परिधि नेगी यस बेटा कैन यू टेल मी Which pictures are these? Yes, good, jugs, yes, और आपने jugs क्यों बोला बेटा बताओ मैम को. ओके okay, यस yes, क्योंकि ये एक से ज्यादा वन जग नहीं है कितने जग से? टू जग्स है तो वन से ज्यादा थिंग्स है ना तो वन से ज्यादा थिंग्स के लिए हम क्या करते हैं स जक्स ओके एस यूज हो जाता है उनमें वन और मैनी जैसे होता है ना वन में बैट बैट वन वन बैट है तो बैट ठीक है एंड मैनी में बैट्स ओके यस गुड बेटा नाउ तो बेटा आप बताइए इसमें क्या यूज होगा आपने बोला था ना वन से ज्यादा थिंग्स है तो जक्स कहा है आपने तो इसमें हम क्या यूज करेंगे दिस या दो या दिस दैट ओके गुड दोज ओके

ओके कैप्स गुड कैप्स ओके यस नाउ डैश ए आर ई आर सी ए पी एस कैप्स गुड आपने बिल्कुल सही बोला बेटा राइट कैप्स अगर यहाँ पे सिर्फ वन कैप होती तो हम क्या बोलते मैम ने टू कैप को पेंसिल से क्लोज कर दिया ढक दिया ठीक है तो अगर यहाँ पे वन कैप होती तो हम सिर्फ कैप बोलते ना लेकिन यहां पे वन से ज्यादा मैम ने कैप बनाई है कैप्स बनाई हैं तो हम क्या बोलेंगे कैप्स ओके डैश ए आर ई आर सी ए पी एस कैप्स ओके तो क्या यूज होगा यस नव्या चौहान गुड दीज गुड बेटा वेरी गुड टी एच एस ई दीज दीज आर कैप्स ओके स्पेलिंग आपको बेटा ये सब भी लर्न करना है देखिए दिस uh, के साथ इज अज uh, हो रहा है ना एक थिंग्स के लिए इज और अज होता है ओके okay? जहाँ पे मैने थिंग्स होती है तो दीज हो या दोज हो उसके साथ क्या यूज होता है आर ओके okay? yes and that this or that ke is or a okay that this is a this is a bat this is yeah that is a jug okay now next number uh yes, dikshantramula dikshantramula which picture is this yes umbrella okay now look here dash i s is ए एन एन यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला बेटा आपको स्पेलिंग भी लर्न करनी है ओके यस यस दीक्षांत मैम ने अम्ब्रेला से पहले एन लगाया है बाकी सब में तो ए यूज़ हो रहे हैं ओके okay? देखो ए यूज़ हुआ है ना यहाँ पे ए यूज़ हुआ है जहाँ पे सिंगल सिंगल थिंग्स हैं ओके तो यहाँ पे मैम ने एन क्यों लगाया स गड बिकॉज यू इज अ वेरी गुड बेटा ओके नाउ तो अब हम क्या करेंगे आप बताइए इसमें क्या यूज होगा दिस या दैट गुड दैट टी एच ए टी दैट ओके दैट इज एंड अम्ब्रेला ओके येस गुड आप ऐसे ही पिक्चर ड्रॉ करेंगे ओके okay? और अपनी बुक से बुक में भी आपके दिस दैट ओके दिस दोज उनसे आप क्या करेंगे रीड करेंगे ओके बेटा थैंक यू